अभी थोड़ी ही देर पहले एक कमेंट आया था कि साइलेंट जो ऑडिशंस होते हैं उनका भी बता दो यार, कैसे पता करते हैं। अभी हमें तो अभी अभी पता चला कि साइलेंट ऑडिशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमने तो ये सुना है कि ग्राउंड ऑडिशंस होते हैं और ये बता दिए जाते हैं, लेकिन ये साइलेंट ऑडिशन क्या भला और ये कैसे देने होते हैं? अभी तक आपको दो ऑडिशंस तो आपके आपको पता ही होंगे, जैसे एक होता है ये ग्राउंड ऑडिशन लेते हैं, दूसरा होता है डिजिटल ऑडिशन जो कि सोनी लिप के ऊपर होते हैं। लेकिन ये साइलेंट ऑडिशन क्या भला है और ये कैसे पता चलता है? बेसिकली आपके मन में डाउट होगा, अगर साइलेंट ऑडिशन हो रहे हैं तो हमारे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा, ये भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये बात डाइजेस्ट भी नहीं होगी कि भाई साइलेंट ऑडिशन भी सच में होते हैं। चलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पर भी दिखाऊंगा बेसिकली साइलेंट ऑडिशन कहाँ होते हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। साइलेंट ऑडिशंस ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर पूरा खुल के नहीं बता सकते कि भाई इंडियन आइडल के ऑडिशंस हैं इस जगह पर हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको पता है थोड़ा टेररिज्म ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करना सरकार अलाउ नहीं करती, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, इसलिए वहाँ पर साइलेंट ऑडिशंस होते हैं। और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर साइलेंट ऑडिशंस कराए जाते हैं, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर साइलेंट ऑडिशंस होते हैं, जैसे कि कोई बड़ी अकेडमी है, जैसे इंडियन आइडल की खुद की एक अकेडमी है, वहाँ पर भी साइलेंट ऑडिशंस होते हैं। जो लोग उस एकेडमी में जाते हैं अपनी सिंगिंग सीखते हैं, उन्हीं के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा, बहुत और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिंगिंग सिखाते हैं, उनका भी एक तरह से कॉन्टैक्ट होता है, टाइप होता है इंडियन आइडल से। जितने भी सिंगिंग शो, मैं इंडियन आइडल की बात नहीं कर रहा, हर किसी शो से टाइप होता है, तो वो भी बोलते हैं। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी बताते हैं कि भाई हमारी इन इन कंपनियों से आपको इंटर्नशिप करा देंगे, हमारा कॉलेज इन इन कंपनियों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सेम जो बड़ी बड़ी सिंगिंग एकेडमी होती हैं, इनका भी जो टाइप होता है वो बड़े बड़े शो से होता है, तो इन्हीं जगहों पर साइलेंट ऑडिशंस होते हैं। तो चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होता, थोड़ा यकीन दिलाने के लिए मैं आपको फेसबुक पे ले चलता हूँ, कुछ लोगों के मैं आपको पोस्ट दिखाऊंगा और वो साइलेंट ऑडिशंस के ही पोस्ट हैं। चलिए देखते हैं। अब आप इधर देखिए, ये टीम रोहित के नाम से एक हैशटैग चलाया गया था, जिसके अंदर आप इधर देख सकते हैं इंडियन आइडल के जो ऑडिशंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये अपडेट भी आप देख सकते हैं 3 जुलाई का है, और मैंने बोला भी था कि भाई 2 जुलाई को ही ऑडिशंस हो गए थे, तो ये आप देख सकते हैं इनके फोटोज, और ये रहे बिल्कुल क्लियर पिक्चर 3 जुलाई का है। और ये मैं पूरा क्रेडिट, गाइस देखो मेरा कुछ भी कंटेंट नहीं है इसमें, ये मैं पूरा क्रेडिट रोहित शर्मा को देना चाहता हूँ जिनका ये ऑफिशियल अकाउंट है। ये इंडियन आइडल से जुड़े हुए भी आप देख सकते हैं, ये है टैलेंट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इंडियन आइडल सीजन 13, जो आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ भी है। थोड़ा नीचे चलेंगे, इनकी और पोस्ट भी है, वो भी देख लेता हूँ। इनको पूरा क्रेडिट मैं दे रहा हूँ कि भाई इनकी वजह से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये पोस्ट डाली थी और लगभग 3 जुलाई को डाली थी, तो मैंने बोला था भाई 3 जुलाई को इनके ऑडिशंस हो गए थे। और थोड़ा नीचे चलेंगे तो इन्होंने एक वीडियो भी डाली है, इस वीडियो को भी चलिए देख लेते हैं। तो भाई रोहित शर्मा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पहुँचती है, तो आपको पूरा क्रेडिट मिलता है और आपकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। तो ये आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा ने वीडियो डाली है जिसके अंदर ये बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये अपना ऑडिशन फॉर्म भर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इंडियन आइडल, और ये पूरा का पूरा आप इधर देख सकते हैं, पूरा इधर माहौल बना हुआ है। कुछ क्रू मेंबर्स हैं इंडियन आइडल के, जो आप देख सकते हैं गले में इन्होंने बैच डाला हुआ है, तो इससे पूरा कंफर्म होता है कि हाँ भाई ऑफिशियली है। और पहली बात तो कोई भी इस तरह से ऑडिशंस करा नहीं सकता कि भाई किसी भी शो का नाम लेकर ऑडिशंस कराए। अब ये अगर फेक होता तो ये इंडियन आइडल नहीं, कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ना कुछ ऐसा करते, लेकिन इस तरह से इन्होंने बिल्कुल ऑफिशियली कराया हुआ है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियली है और हम इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। ये वो हैं रोहित शर्मा जिन्होंने ये वीडियो डाली है। तो बेसिकली गाइज आप देख सकते हैं, ये है साइलेंट ऑडिशन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से अब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई साइलेंट ऑडिशंस भी होते हैं। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई साइलेंट ऑडिशंस भी होते हैं। अभी गाइज एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो आप लोग पूछ रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं या एजुकेशन करना भी ज़रूरी होता है इन शोज में जाने के लिए? मैं बताऊँ ना, ये बहुत ज़्यादा बेहुदा सवाल है। आपका जो टैलेंट है, आप सिंगर हैं तो आपके पास सिंगिंग की ग्रेजुएशन है, आप एक सिंगर हैं आपके पास वो टैलेंट है, एजुकेशन इसमें बिल्कुल भी मायने
नहीं रखते कि आप कितने एजुकेट हैं, बट आपका बोलने का लहजा सही होना चाहिए, किससे क्या बात करनी है वो सही होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप समझदार होने चाहिए। एजुकेटेड है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। वहीं जैसे सलमान अली की बात करें, काफ़ी फेमस है, पर एजुकेशन की बात करें तो वो ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो एजुकेटेड इतने नहीं है, लेकिन हाँ उनमें वो टैलेंट है, एक सिंगिंग का टैलेंट है, तो वही उनको आगे ले जा रहा है। तो ये मतलब आप अपने दिमाग से निकाल दो यार, हम एजुकेटेड नहीं है या फिर एजुकेशन होना भी जरूरी है। तो गाइस सिंगर हो आप बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंगिंग भी एक ऐसा टैलेंट है जिसको सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने आप को किसी से कम मत समझो और ऑडिशन देने जाओ, अपना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। बाकी सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक जो लोग जयपुर में जाना चाहते हैं, जयपुर में जा रहे हैं, 8 जुलाई को जिनका तैयारी है और 8 जुलाई को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लेके जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप जानना चाहते हैं जिनको नहीं पता कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें ले जानी है, जयपुर में जा रहे हैं अभी और ऑडिशन आ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, तो आप एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर ही मैंने वो सब बताया हुआ है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।